अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। बात अगर सिर्फ दवाई पिलाकर पागल करने की होती ना तो मैं तुम्हें माफ कर भी देती शायद, लेकिन ये करने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास। मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। ख्याल रखना अपना। चलो बच्चों। फोन उठाओ और कहो कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया। किस डफर को काम सौंपा है? घंटी नहीं सुनाई तेरे से फोन की। गायत्री, अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और जब मिल जाए तो उनको संभाल कर रखना चाहिए। कुर्बानी देनी पड़े तो देनी चाहिए, पर तुमने तो अपने लालच के चक्कर में हम दोनों के रिश्ते को ही कुर्बान कर दिया। अशोक भाई साहब और यशोदा ने तुम्हारा फायदा उठाया मनोज। मैंने फायदा उठाया उन दोनों का? मैं इतना बड़ा वकील नहीं हूँ गायत्री। अशोक ने मेरी बहुत हेल्प की है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। यशोदा भाभी मुझे अपना छोटा भाई मानती है, हर साल ये राखी बांधती है। मैं कर्जदार हूं उनका और ये बात तुम भी जानती हो। हमारे सुख दुख में वो लोग खड़े रहते हैं। आज तुम्हारी हालत है ना, यशोदा भाभी आ गई अपना घर परिवार छोड़कर। गायत्री यार, तुमसे बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा था। शुक्र मनाओ कि भगवान ने तुम्हें बचा लिया। जब त्योहार पर अपने लोग साथ होते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है, मिठाई भी मीठी लगती है। और जब त्योहार अकेले मनाना पड़े ना, तो ये मिठाई बहुत कड़वी लगती है। मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा ना, मैं आ जाऊंगा वापस। लेकिन तब तक तुम ये सोचो कि रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में पल। यशोदा भाभी का दिल बहुत बड़ा है, वो शायद तुम्हें माफ कर दे, बाकी तुम्हारी मर्जी। मनोज, 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 मनोज। तुम ये सोचो कि रिश्ते बनाने में वक्त लगता है और बिगाड़ने में पल। रणधीर ने कैसी दवाई दी थी जिसको लेने से इंसान पागल हो जाता है? मेरे पीछे मेरे बच्चे, मेरे 3 बच्चे, उनका क्या होगा मेरे पास। मैं तुम्हें अपने बच्चों के लिए माफ नहीं करूंगी गायत्री। एक मिनट, आज तुम तीनों ने राखी बांधी है ना मुझे, तो तीनों को गिफ्ट भी देना होगा। आ जाओ तीनों सामने, आ जाओ, आओ। कृष्णा तुम बीच में आना, आओ। मम्मी, कितना अच्छा होता ना अगर हमारा भी कोई भाई होता,
तो मैं एक मोरपंख खरीद कर उसके सर पर लगाती, बिल्कुल कृष्णा जी की तरह। और मैं उसे बांसुरी गिफ्ट करती। आस्था दीदी और मैं उसे कृष्णा बनाते। मेरे हिसाब से ये जो तुम दोनों के बीच में खड़ा है, ये तुम्हारा भाई है। फोर्स नहीं करूंगी मैं, बस जिंदगी में जब कभी भी ऐसा लगे इसके माथे पर मोरपंख लगाकर हाथ में बांसुरी देकर इसे कृष्णा बनाकर अपना भाई मानना है तो मान लेना, मैं इंतजार करूंगी उस दिन का। फिलहाल इसके अलावा गिफ्ट देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। तुम्हारी मम्मी अभी गरीब है तो कृष्णा भैया, थैंक यू। आस्था, इस गिफ्ट के लिए थैंक यू, लेकिन वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं इस कृष्णा के सर पर मोरपंख लगाकर इसे अपना भाई मान लूंगी। आएगा यशोदा, वो दिन जरूर आएगा। दिल छोटा मत करो, बस भरोसा रखो, चलते हैं। कृष्णा, तुम्हारा गिफ्ट ना। मैडम जी, जिस दिन बड़ी बेबी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगी और मेरी दोनों बहनें मुझे कृष्णा बनाएंगी, उस दिन मुझे मेरा गिफ्ट मिल जाएगा। एंड थैंक यू मैडम जी, मुझे ये उम्मीद देने के लिए कि मैं भी किसी का भाई बन सकता हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।